गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं लाइफ इज वंडरफुल और मैं हूँ साथी। आप लोग कैसे हो गाइज? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बहुत मतलब थोड़ा बहुत अभी ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ तो सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक ब्लॉग शूट कर लूँ। बहुत दिनों से शूट नहीं किया, लगभग 25 दिन हो गया है। वो तो आप सभी को पता होगा, मैंने सब कुछ बता दिया है, पर अभी धीरे धीरे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों से। तो बीच बीच में मैं छोटा छोटा ब्लॉग बनाया करूँगी, अभी तो इतना मैं नहीं बना पा रही हूँ और ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। तो सॉरी, मैंने बहुत कुछ सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मेरा बेबी सवार, वो भी शेयर नहीं कर पाई। वो भी कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत ही ख़राब हो गया था उस दिन कुछ, तो आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई और हमने भी जैसे सोचा था वैसे कुछ भी नहीं कर पाए। तो गाइज़, ये है मेरा डिलीवरी के बाद फर्स्ट ब्लॉग। तो अभी तो मैं काफ़ी ठीक हूँ और आप लोग मुझे देख के ही पता लगा सकते हो कि मैं काफ़ी अभी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं। लास्ट जो ब्लॉग मैंने डाला था उसमें ये था कि जो आपने देखा था लास्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरा आया था, उसमें आप लोग पूछ भी रहे थे कि आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ठीक ठाक है या नहीं या फिर कुछ, तो मैंने आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाया। तो उस दिन जब रिपोर्ट आया, नेक्स्ट डे हम गए डॉक्टर के पास, उस दिन रिपोर्ट देख के ही हमें कुछ कुछ पता चल गया था, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो बेबी के नेक के अराउंड था, तो वो थोड़ा सा टेंशन की बात थी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी सी सेक्शन करना ही ठीक रहेगा। वैसे भी मेरा फर्स्ट जो डिलीवरी था वो भी सी सेक्शन था, तो नेक्स्ट भी सी सेक्शन ही होगा, तो इसीलिए 10 दिन के अंदर मुझे करना पड़ा। तो इसके लिए भी बहुत सारी तैयारी होता है और तब तक मेरा बेबी सवार भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा डेट अभी नहीं था। आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बोला था कि मेरा अगस्त के लास्ट में डेट था, अगस्त के 29 में मेरा डेट था। तो कितने दिन पहले हो गया, 1.5 महीना पहला ही मेरा जो है डिलीवरी हो गया। चलो ठीक है, बेबी ठीक रहे, यही हमारा ये है वैसे और कुछ नहीं। तो अभी तो बेबी ठीक है, पर अभी गर्ल है या बॉय है वो मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों ने बहुत कुछ गेस किया है, मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ गेस किया है, पर अभी मैं बताऊंगी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तो मैं जस्ट अपना रीज़न एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो दिखाने के बाद डॉक्टर ने वो कुछ बोला तो थोड़ा सा अपसेट हो गए हम लोग कि ये क्या हो गया, क्योंकि बेबी का वेट का भी एक ये रहता है, आप लोगों को पता होगा कि 1.5 महीने पहले मतलब बेबी का वेट थोड़ा सा कम होगा, पर रिस्क नहीं ले सकते हम, तो ठीक है कर लेंगे। तो मम्मी ने बोला चलो अभी बेबी सवार भी जल्दी से कर लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। तो शॉपिंग वॉपिंग मैंने सब करके रखी थी, आप लोगों को भी मैं दिखाने वाली थी, पर कुछ नहीं हुआ। उस दिन सुबह एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिला हमें, हमारे दोस्त के जो बेटे थे उसका तबीयत बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो अब नहीं रहे। तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब माइंड जो है इतना ख़राब हो गया उस दिन सुबह, तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर 3 बजे हम लोग जैसे तैसे करके हमारा बेबी सवार कंप्लीट किया, बहुत कुछ नहीं किया। कुछ पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वो आप देख लीजिए। गए थे उनको बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल, वो आए 2:30 बजे घर, तो उसके बाद मम्मी ने दिया। तो हमारे जो है ना राइस वगैरह जैसे और बंगालीज़ का होता है ना, वैसा हमारा नहीं है, ठीक है, हमारे ससुराल में वैसा नहीं है। तो हमारा वैसा ही है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, पफ्ड राइस ही बोलो क्या, खोई जो बोलते हैं हम लोग बंगाली में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसे, पोहा, पोहा 9 तरीके के स्वीट्स वगैरह, दही, स्वीट जो दही होता है वो वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो कुछ वैसा ही हुआ और फिर तो होता है टेस्ट वगैरह करते जाओ, फिर हॉस्पिटल आना जाना, मतलब क्या बताऊँ, हालत हमारा ख़राब हो चुका है। मतलब इस जुलाई से उस तारीख को लेकर आज तक मतलब सिर्फ हॉस्पिटल आना और जाना, आना जाना, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए। बट ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ अभी ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। और इसमें ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तो टेंशन सर पे, फिर इतना गर्मी है और इस हालत में इतने बार हॉस्पिटल आना जाना, टेस्ट करवाना, मतलब हालत ख़राब हो गया था मेरा।
तो मैंने और कुछ भी शेयर नहीं किया, सोचा कि चलो डिलीवरी अच्छे से हो जाए फिर आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी मैं। तो अभी सब कुछ ठीक है, फाइनली बेबी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ अच्छे से निपट गया, तो यही ठीक है और क्या चाहिए मुझे। तो बेटू को अभी आप लोग नहीं देख पा रहा क्योंकि बेटू अभी मम्मी के साथ नीचे गए, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी मौत मुझे बहुत डांटती है कि अभी मत करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर करना। मतलब ठीक है, बेबी भी थोड़ी सी बड़ा हो जाए, एक महीना हो जाए, अभी तो बेबी का फेस भी मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि बेबी अभी एक महीने का नहीं हुआ है। तो मेरा डिलीवरी हुआ था 22 जुलाई को सुबह 9 बजे मेरा बेबी हुआ था, और फिर आज हुआ 3 अगस्त को, तो 13 दिन हुआ है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेबी को देखने के लिए, और बेबी बॉय हुआ है क्या बेबी गर्ल हुआ है वो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जिस दिन में मैं शूट करूंगी वो बताऊंगी। और बेबी का नेम भी बाद में रिवील होगा, क्योंकि बेबी का नेम अभी भी हमने नहीं रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है जो बेबी का नाम है उनको दादा दादी रखते हैं, तो अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो बाद में हम लोग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे गाइस। और बेबी होने के बाद भी थोड़ा सा टेंशन था, तो वो भी अभी दूर हो गया है, क्योंकि बेबी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, थोड़ा सा वजन भी कम है, तो वैसे भी अभी नॉर्मल है, वो सभी बच्चे में होता है न्यूबॉर्न बेबी में। जो 21 को 5 बजे मैं एडमिट हुई थी और सुबह मेरा बेबी हुआ था, और ये तो थोड़ा सा क्लिप अभी आ कर रहे तो आप लोगों को साउंड आएगा ये देखिए, और बदमाशी शुरू हो गया, अपनी बाल खुद खींचती है और खुद रोता ही है। तो चलिए गए आज का इस छोटा सा व्लॉग मैं अभी यही पेंट करती हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग गाइज मेरे साथ रहना, और जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ फिर आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगी जैसे कि रोज़ मिलती थी। तो चलिए गए, बाय बाय, टेक केयर।